अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज हम सहरी में कोई नया सालन नहीं बना रहे, ऑलरेडी हमारे पास सालन बने हुए हैं, काले चने पड़े हुए हैं पहले के और चिकन का सालन भी पड़ा हुआ है, तो ये खराब हो जाएगा, इसलिए आज की सहरी में हम पुराना सालन ही खाएंगे। तो मैं अभी सालन गर्म करता हूँ, राबिया पराठे बना रही है। और वैसे भी ना ये शोरबे वाला जो चिकन होता है ना, ग्रेवी वाला, ये पराठे के साथ बहुत मजा आता है माशाल्लाह। इस टाइम थोड़ी थोड़ी ठंड होती है ना, तो सही स्वाद आता है ना राबिया? हाँ, मुझे तो वैसे भी पता है आपको पसंद है शोरे में डुबो डुबो के खाना, तो पराठे के साथ तो डबल हो जाता है मजा उसका। हमने 2:30 बजे का अलार्म लगाया होता है, जैसे 2:30 बजते हैं तो हम सहरी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, टाइम से यानी फारिग हो जाते हैं। शीजा को चने बहुत पसंद है, व्हाइट हो या ब्लैक हो दोनों ही। शीजा गोश्त इतना पसंद नहीं करती जितना ना चने हो गए या दाल खा लेती है ना। हाँ, दाल भी, सब्जी भी नहीं खाती और गोश्त भी नहीं खाती। अगर शीजा गोश्त खाए ना तो इतने कमजोर ना हो। फिर ब्लैक चने की खुशबू अभी भी उसी तरह आ रही है रबिया। सही बात है, सही, फ्रीज किया हो ना तो कुछ भी नहीं होता खाने को। हाँ, फ्रेश ही रहता है खाना। अभी भी ब्लैक चनों की खुशबू सेम टू सेम वही है। बहुत है, हाँ जी बहुत है, चिकन भी है ना, इनफ है। ये पकड़ो चिकन के लिए। ये प्लेट आज सारी बहुत जल्दी बन गई है रबिया। आज असल में हर चीज पहले से रेडी थी ना, सालन बने हुए थे। यस, क्योंकि पहले जब हम सालन वगैरह बनाते हैं ना तो थक जाते हैं। आज बस सालन गर्म किया है सीधे अंदर। मिठू रोज हमारे साथ जागता है ना। और मेरी जान है मिठू, मजा आ रहा है? यस। ओके, चने कैसे हैं? चने बढ़िया है, इसीलिए मैं चने से ही खा रही हूँ। भी चिकन से बाद में खाऊंगी, मैंने कहा पहले चने खा लूंगी क्योंकि बहुत मजा आया है खा के। पराठे साथ चने का अपना मजा है, चिकन का अपना मजा है। अपना अपना मजा है। जीजा ने तो लस्सी शौक से पी लिया, मिठू डालू? यस वो डालू जी, बात कीजिएगा। डालो डालो, पी लो मेरा बच्चा, अच्छी चीज होती है। मैं बेटा जो जाके ना मक्खन सा खाया करो, ताकत वाले मेरे पुत्र। मेरे बच्चा, मुझे अभी तक टेंशन है आपकी जो चीन के नीचे आपको लगी है ना, जब तक ये ठीक नहीं ना होता तब तक मेरे बेटा बहुत टेंशन है मुझे। और मेरी जान जान पता है ना आपको, अपना ख्याल रखा करो। अच्छा, लस्सी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। लस्सी? यस।
पहले तो नहीं आप पीते थे मेरा बच्चा? पहले छोटी थी, नखरे करती थी। नखरे करते थे? यस। अभी समझदार हो गया मिट्टू है ना? अच्छी बात है ना? थैंक यू। मेरी जान ये ताकत वाली चीजें ये पिया कर। ये तो इसके ऊपर मक्खन आया है ना, ये बिल्कुल ताकत है, इसको लाजमी आप खा लिया करो। ओके। ये लो गुड़िया। थैंक यू। आई लव यू मेरा पुत्तर। और बच्चा राज के खा। रबे को बोलो ना। मेरी बीवी बात नहीं करती कोई। मुझे सलाम कहते तुम बोलती नहीं हो बस खाती हो। मैंने कहा जब कोई बात जहन में आती है तो बोल देती हूँ, वैसे मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूं। या जब सलाम बोल रहे होते हैं ना तो मैं आगे से बोल लेती हूँ, मतलब उस बात के सिलसिले में खुद से मेरे से नहीं बात होती, पता नहीं क्यों नहीं होती। इस्लाम यार इसकी वजह पता क्या है? आप रेगुलर स्टूडेंट थी ना? बिल्कुल। स्कूल भी गई हो, कॉलेज तक पढ़ी हो जी, तो देख लो इसी को कॉन्फिडेंस करते हैं। सही बात है कसम से। और ये शीजा देख, शीजा माशाल्लाह इस मेरी बेटी में बहुत कॉन्फिडेंस है। 7 साल की है ठीक है, तो देख लो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात है मेरे जान, आगे तशरीह करने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। मेरी बच्ची कंसेप्चुअल है, रट्टा तोता नहीं है। वाकई ये बात भी ठीक है, शीजा को ना कोई भी रटने वाली चीज जो होती है ना ये रट्टा नहीं लगा सकती यार। हाँ। आदि नहीं ना किया गया? बिल्कुल। अगर आदि किया जाए सुबह याद करके आना है। बिल्कुल। अगर ये याद ना होगा तो खैर नहीं है, बच्चे ने यार रट्टा मारना मजबूर होते। और रट्टे वाली चीज समझ से बाहर होती है, जस्ट रट्टे की आता की होती है जब तक आपके नहीं। बच्चों का भी कसूर नहीं है, अल्लाह की बंदी इधर शुरू से ये एजुकेशन सिस्टम यानी आ रहा है कि जिसने सेम किताब मतलब छापा मारा है ना रट्टा मार के उसको नंबर फिट। वो वेल डन। जिस बच्चे ने अपने माइंड से लिखा उसको नंबर कम। सही बात है। ऐसे कैसे क्रिएटिविटी कैसे पैदा होगी बच्चों में? जी ये मसला है। कहो ना। मैं बस मेरा तो पेट फुल हो गया, सुबह आपको पता इतनी नहीं खाई जाती और साथ लस्सी है वो कितनी हेल्दी है। खा बस जैसे मेरे से भी आज इतनी नहीं खानी हो रही। बस अब रोजा बंद होने से थोड़ी देर पहले पानी पी लूंगी, क्योंकि जब मैं लस्सी पी लेती हूँ ना फिर मैं चाय नहीं पीती। सदाम कहते हैं कि चाय अपनी भी बनाया करो, मैं कहती हूँ नहीं मैंने लस्सी पी ली है यही बहुत है। बस ही पी लो, मेरे बेटे को और दो आप भी पियो। बस पेट भर गया मेरा। पेट भर गया मेरे बेटे का। यस। चटनी चम्मच लगा लो मिठू, आप भी चटनी खाओ मेरे पुत्र। ओके बैठ लो जी। देख कितना मक्खन बने हैं। बिल्कुल। तो दही बहुत अच्छा है, इतना मक्खन बनता है इसलिए तो पेट जल्दी फुल हो जाता है। हेल्दी है इतनी। मुछा भी गदियां हो गई हैं। दिखाएं। मुछा चिटियां हो गई हैं। वो थोड़ी बहुत हो ही जाती हैं खाते हुए। या इस तरह पियो लस्सी वगैरह तो यार। अच्छा जी उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अभी हम तीनों को दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय।